हेलो स्टूडेंट्स, इलेवेंथ क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर सिक्स, लेसन नेम थ्री ऑर्डर्स, तीन वर्ग। हम आज इस टॉपिक को आपके सामने रख रहे हैं। इस टॉपिक में, इस लेसन में क्या है? इस लेसन में भी हम अभी यूरोप में ही हैं। इस लेसन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें यूरोपियन कंट्रीज के कुछ नेम याद होने चाहिए और नेम एक लोकेशन के अकॉर्डिंग याद होने चाहिए। यूरोप वर्ल्ड का सेकंड जो ना सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, बट इसमें वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी डेवलप कंट्री हैं। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, इस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, ये सभी कंट्रीज यूरोप के अंदर हैं। तो हमें कोशिश करना एटलस के थ्रू इनको याद करो। और आपको नहीं बोलना है जब भी हम ये कहें कि वेस्टर्न यूरोप में, तो इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम नाम आपको याद आने चाहिए। तो यहां आज हम क्या पढ़ रहे हैं? थ्री ऑर्डर्स। इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे मेन बात, 9th सेंचुरी से लेकर के 17th सेंचुरी के बीच वेस्टर्न यूरोप में कुछ चेंजिंग हुए थे। चेंजिंग किस में? वहाँ की सोसाइटी में, वहाँ की इकोनॉमिकली चेंजिंग हुए थे, वहाँ पर कुछ पॉलिटिकली चेंज हुए थे। ये जो चेंज हुए थे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। रोमन एम्पायर के एंड होने के बाद, रोमन एम्पायर ऑलमोस्ट कब, आप ये इसका कोई सन नहीं होता, सेंचुरीज यानी 5th और 6th सेंचुरी के आसपास रोमन एम्पायर एक तरह से इसका डिक्लाइन हो चुका था। इसके बाद, रोमन एम्पायर के बाद मिडल यूरोप में जर्मन जो ट्राइब्स थे उन्होंने फ्रांस, इटली और स्पेन पर जो है ना अटैक करके अपना कंट्रोल कर लिया था। यहाँ आपको पता है कि 9th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी के बीच में कोई भी एक यूनिफाइंग पॉलिटिकली जो ना फोर्स नहीं थी। तो यहाँ पर इस टाइम युद्धों का टाइम है। यहाँ पर कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है? एक मिलिट्री के द्वारा, यानी जिसकी भी मिलिट्री पावरफुल है उसका एम्पायर बढ़ रहा है, जिसकी मिलिट्री वीक है उसका एम्पायर श्रिंक हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? अब एक नई चीज यहाँ एक और ऐड होने जा रही है, एक रिलीजन, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी जो मैंने आपको बताया था कि 3rd-4th सेंचुरी में क्रिश्चियन रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन यहाँ डिक्लेयर कर दिया गया था कॉन्स्टेंटाइन ने, जो यहाँ का रूलर था रोमन, लास्ट रोमन रूलर के आसपास, यानी 3rd-4th सेंचुरी के बीच यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया था, एक इसको जो है ना ऑफिशियल जो है ना रिलीजन डिक्लेयर कर दिया गया था। अब यहाँ पर ये रिलीजन जो है ना बहुत पावरफुल हो गया है और यहाँ पर जो इस रिलीजन से रिलेट जो है ना चर्च बनने लग गई हैं और चर्च में बैठने वाले पोप ही बहुत पावरफुल हो गए हैं। और इन सब जो पोप थे यूरोप के अंदर, उनमें सबसे पावरफुल इटली की कैपिटल रोम में बैठने वाला पोप सबसे ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ हम जो तीन ऑर्डर्स, तीन वर्ग, थ्री ऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे वो कौन कौन से हैं, ये यहाँ में जो मेन फोकस है इस लेसन का, मेन फोकस थ्री ऑर्डर के ऊपर ही रहेगा। और वो तीन जो क्लास हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली यहाँ पर जो क्लास है, जो सबसे ऊपर है, जो जिसको हर तरह के राइट्स, प्रिविलेज राइट्स भी मिले हुए हैं, वे कौन है? क्रिश्चियन प्रीस्ट।
यानी क्रिश्चियन पादरी मतलब चर्चों में बैठने वाले लोग, दूसरे कौन हैं? नोबेल लोग, यानी वो पैसे वाले लोग जिसको जिसे हम लैंडलॉर्ड भी कह सकते हैं, जो अरिस्टोक्रेट भी कह सकते हैं, ये दूसरी क्लास वो है। तीसरी क्लास कौन सी है? जो इन दो की ऊपर वालों की सेवा करती है, कौन? पीजेंट, यानी पीजेंट, नोबेल्स और प्रिस्ट, ये तीन ऑर्डर्स, तीन क्लास हैं जो इस लेसन के बारे में जो इस लेसन की जो ना एक्सिज हैं। यहाँ पर किसी भी लेसन को समझने के लिए वहाँ के हमें जो आज सोर्स मिले हैं, हमारे पास कौन से सोर्स हैं जो हम 9th से लेकर के 16th सेंचुरी के बारे में, यानी मिडिल यूरोप के बारे में, मिडिवल पीरियड जो है यूरोप का, उसके बारे में हम समझ सकें। हिस्ट्री के तीन पीरियड होते हैं, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो ये जो पीरियड चल रहा है ये कौन सा है? मिडिवल पीरियड है। मिडिवल पीरियड के अंदर यूरोप के अंदर जो चेंज हुआ है 9th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी के बीच में, उसके लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या सोर्स हैं? तो वहाँ पर मैंने क्या बताया था कि एक नई इंस्टीट्यूशन जो है अमर्ज होकर के आई है, वो कौन सी है? चर्च। यहाँ जो चर्च में जो है ना, चर्च में क्या है, सारे रिकॉर्ड चर्च में रखे जाते थे, किसी की मैरिज है, डेथ है, डिवोर्स है, कोई सी चीज़ का लैंड ओनरशिप से रिलेट कोई मामला है, कोई प्राइस से रिलेट मामला है, या फिर कोई लीगल केस है, ये सारे रिकॉर्ड चर्च में रखे जाते थे। इस तरह चर्च में ये ही नहीं बल्कि ट्रेडर हैं, जो मर्चेंट हैं, ट्रेडर हैं, कोई भी फेस्टिवल है, इस तरह के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन और एपिग्राफी हमें कहाँ से मिलती है? चर्च से। तो चर्च में हमारे पास ये जो सोर्स हैं, ये रिटर्न में हमारे पास हैं, जो हम उस 9th से लेकर के 16th सेंचुरी के बारे में हम यूरोप को जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 15th सेंचुरी के आसपास, 14th सेंचुरी के आसपास यहाँ पर एक नई चीज़ और सामने आई, क्या? फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म जिसको बोलते हैं हिंदी में सामंतवाद, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना काम किया गया। किसने किया? यहाँ पर काम करने वाले एक स्कॉलर हैं जो फ्रांस के थे, जिसको हम बोलते हैं मार्क ब्लॉक। मार्क ब्लॉक ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, रिसर्च की, लेकिन उसकी सारे रिसर्च और जो रिसर्च जो थी, काम जो था ना, वो आधे अधूरे रह गए। कब? जब जर्मनी के अंदर नाजी जो लोग आए, हिटलर का रूल आया, हिटलर के लोगों ने मार्क ब्लॉक को जो है ना काम शूट कर दिया, उसका मर्डर कर दिया। तो यहाँ अपना आज केवल हम एक ही टॉपिक करेंगे, इस रिलेट्स क्या है, एन इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का जो है इंट्रोडक्शन क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि मेडिवल पीरियड यूरोप में कब से कब तक माना जाता है, ऑलमोस्ट 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी, ऑलमोस्ट इसको मेडिवल पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ना जो हिस्टोरियन है, उन्होंने सामंतवाद को या फ्यूडलिज्म को कैसे एक्सप्लेन किया है? इस सामंतवाद ने, इस फ्यूडलिज्म ने यूरोप के अंदर जो इकोनॉमली, यानी वहाँ की इकोनॉमली या पॉलिटिकली या सोशली जो रिलेशन है ना, इसको जो है ना डिस्क्राइब करता है ये फ्यूडलिज्म। ये एक जर्मन वर्ड है, कौन सी भाषा का वर्ड है? ये जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब, जो किससे बना? फ्यूड से। फ्यूड का मतलब क्या होता है? फ्यूड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। हम यहाँ पर एक, मैं आपको थोड़ा इजीली बता दूँ क्योंकि जो सामंत जो होता है, जो लॉर्ड जो होता है, क्या है कि एक कोई भी एक एम्पायर है, इस एम्पायर का एक हिस्सा, ये स्टेट किसी एक बंदे को दे दी जाती है, किसी एक पर्सन को दे जाती है, ये इसे हम क्या बोलेंगे? लॉर्ड। ये जो है ना अपने ये जो लॉर्ड है, ये अपने यहाँ के जो सब्जेक्ट हैं उन पे एक तरह से छोटे राजा की तरह रूल करता है, और यहाँ इनका जो है ना बड़ा राजा बैठता है, जो इसके प्रति अपनी एलिजेंसी, ये सारे लॉर्ड्स जो है ना इसके प्रति अपनी एलिजेंसी दिखाते हैं। तो ये एक तरह से छोटा राजा, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉर्ड, जो वहाँ के सब्जेक्ट्स पर पूरी तरह से पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली कंट्रोल रखता है। और यहाँ तो मेडिवल पीरियड में, यहाँ पर तो जस्टिस से रिलेट भी सब कुछ जो है इसके अंडर में आ चुका था,
यानी न्याय करने से रिलेट जो भी मैटर थे वो कौन करता था, यहाँ पर लॉर्ड करता था। लॉर्ड जो है यहाँ के जो प्रीजेंट है ना, वो अपने अपने फील्ड में भी काम करता है और लॉर्ड के फील्ड में भी एक मुफ्त सर्विस देता है, मुफ्त सर्विस। तो अब आप समझ जाइए कि लॉर्ड की जिंदगी कितनी अच्छी होगी, लग्जरी वाली होगी, और एक प्रीजेंट जो है वो अपनी सर्विस अपने फील्ड में देता है और फिर लॉर्ड के फील्ड में भी देता है। तो यहाँ पर इसकी जो है ना लाइफ किसकी, प्रीजेंट की कितनी मिजरेबल रही होगी और लॉर्ड की जिंदगी कितनी बेस्ट रही होगी। तो ये जो लॉर्ड है इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम एक छोटा राजा कह सकते हैं। ये फ्यूडलिज्म सिस्टम पूरे यूरोप में था, इस तरह छोटे छोटे स्टेट जो है ना किसके अंडर में थे, जो मेन रूलर है उनके अंडर में थे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में इस तरह अकबर ने कौन सी सिस्टम अपनाया था, इकताधारी। उसने छोटे छोटे अपने कंट्री के अंदर छोटे छोटे जो है ना इससे अकबर ने भी बांट दिए थे ताकि पॉलिटिकली कंट्रोल अच्छा रहे, और वहाँ पर उसने क्या सिस्टम बना दिया था, एकताधारी, जिसे मनसबदारी कहते हैं, कि ये एरिया उसको दे दिया गया, कमांडर को दे दिया गया है, वहीं से अपनी जो ना तनख्वाह या पे निकाले, वहीं के लोगों से, लोकल लोगों से टैक्स लेकर के। तो इस तरह फ्यूडलिज्म का मतलब क्या है, एक सामंतवाद, यानी मिडिवल पीरियड में यूरोप के अंदर ये सिस्टम बहुत लंबे टाइम तक चला और यहाँ पर लॉर्ड की जो है मौज मस्ती है और जो वहाँ पीजेंट हैं, किसान हैं, उनकी लाइफ बहुत ही मिजरेबल है। तो इस तरह हमने केवल आज फ्यूडलिज्म को जो है ना पढ़ा है। फ्यूडलिज्म हिस्टोरियन ये कहते हैं कि फ्यूडलिज्म जो है ये जो है ना यूरोप में पहले से ही था, मतलब मिडिवल पीरियड से भी कहते हैं, पहले से ही इसकी रूट्स थी, बट इसकी सही मायने में ये एग्जिस्टेंस में 11th सेंचुरी में आया। तो इस तरह यहाँ पर क्या होता है, फ्यूडलिज्म सिस्टम में क्या होता है कि एक जो लॉर्ड है और वो जो लॉर्ड है वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट करता है वहाँ के लोगों से। तो यहाँ जो है ना इन लोगों को पीजेंट्स की जो लाइफ है ना वो बहुत ही मिजरेबल अपने आप हो जाती है। वो अपने लॉर्ड्स की भी सर्विस करता है, अपने लिए भी खुद मेहनत करता है। तो इस तरह यहाँ पर हमने फ्यूडलिज्म वर्ड को जो ना डिस्क्राइब किया है, क्या है, भूमि का एक, फ्यूड मीन भूमि का एक टुकड़ा जिस पर एक बंदा रूल करता है, जिसे हम लॉर्ड बोलते हैं, जिसका संपर्क कनेक्शन वहाँ के पीजेंट से है। पीजेंट्स टाइम टू टाइम उनको जो ना सर्विस करता है, टैक्स देता है, और वो लॉर्ड जो है फिर अपने जो टैक्स कलेक्ट हुआ है उस टैक्स को कुछ हिस्सा जो है ना मेन रूलर तक पहुंचाता है। इस तरह उसकी एलिजेंसी भी बनी रहती है। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो ये था, एन इंट्रोडक्शन टू फ्यूडलिज्म। और मैंने क्या कहा कि तीन क्लास मेन है, तीन क्लास मेन कौन कौन सी हैं, क्रिश्चियन प्रिस्ट हैं, दूसरे लैंडलॉर्ड हैं जिसको हम बोलते हैं नोबिलिटी, तीसरा कौन है जो मेन क्लास है यहाँ की, वो पीजेंट, किसान लोग। इन तीनों के बीच का इंट्रैक्शन क्या है, ये ही हम इस लेसन में पढ़ते जाएंगे। तो आज का अपना ये टॉपिक फ्यूडलिज्म का जो इंट्रोडक्शन है वो ये था। तो मिडिवल पीरियड में जो ना यूरोप डेवलप क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि लॉर्ड्स ने कॉमन लोगों को कभी भी, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं इन लोगों को कभी भी, जो एबिलिटी रखते हैं उनको कभी भी आगे नहीं आने दिया। और यहाँ पर मिडिवल पीरियड में दो जो है ना चीज़ें आगे निकल के आ रही थी, एक चर्च के प्रीस्ट मौज मस्ती कर रहे हैं, दूसरे लॉर्ड, जिसको हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड्स को हम क्या बोल सकते हैं, लैंड लॉर्ड भी बोल सकते हैं, अभिजात भी कह सकते हैं, अरिस्टोक्रेट भी कह सकते हैं, और इसको हम जो है ना नोबिलिटी भी कह सकते हैं, और तीसरा जो कौन है यहाँ का मेन खिलाड़ी, यहाँ का पीजेंट्स। तो ये हमने आज किया है, आप, मुझे होप है आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।